हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमें डाउनफॉल नजर आ रहा है और अभी आने वाले टाइम पर वहां पर एक डाउन साइड हमें दिखाई दे सकती है। कन्फर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आपके पास में ये तीन स्टॉक्स हैं तो आपको जरूर दोस्तों ये वीडियो देखना चाहिए। कौन से हैं वो तीन स्टॉक्स, ये हम बात करेंगे। इसके अलावा कितना डाउन जा सकते हैं और कहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहां से वापस से वो बाउंस बैक कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहता हूँ। सबसे पहले जो स्टॉक का नाम है वो है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, PNB के नाम से आप डेफिनेटली इसे जानते होंगे। और यहाँ पर कन्फर्मेशन दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक अभी डाउन जा सकता है। दोस्तों देखिए, ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। और अगर आप देखें अच्छे से तो यहाँ पर आज की जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल है, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट था, उसे ब्रेक करके ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है, राइट। और कहीं ना कहीं कल के दिन भी हमें यहाँ पर अब डाउनफॉल नजर आ सकता है। केवल जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है वहां पर कंफर्मेशन नहीं मिला है, बल्कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर भी आपको इंक्लूड करके दिखाऊं, जैसे कि RSI हो गया या फिर बॉलिंगर बैंड हो गया, तो आपको दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले RSI को आप देखिए कि ऑलरेडी RSI जो है वीक हो चुका है, तकरीबन 52 का अभी लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंगर बैंड की तो आप देखिए यहाँ पर, और दोस्तों जो इसकी मीडियन लाइन है ऑलरेडी ये उससे नीचे आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये है इसकी मीडियन लाइन तकरीबन 41.58 पर, और ऑलरेडी ये 41.10 पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए आज की कैंडल ये बनी है, एकदम डोजी कैंडल है, इसलिए आपको साइज समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कैंडल ये है, राइट। 17 तारीख है, आप नीचे देख सकते हो 17th of June, राइट। सो मीडियन लाइन से ऑलरेडी नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन इसने ऑलरेडी दे दिया है। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना होगा, कहाँ तक सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो वो भी हम बात कर लेते हैं। सो बॉलिंगर बैंड की अगर हम बात करें तो इसकी जो सपोर्ट लाइन है वो तकरीबन 38.56 की है, मतलब मान सकते हैं कि 38.50 रुपये का एक सपोर्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आकर दोस्तों ये ब्रेक लगा सकता है। सो दोस्तों टेक्निकली यहाँ पर एक डाउनफॉल हमें दिखाई देगा अभी आने वाले दिनों में। अभी चलते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ, देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है कोल इंडिया, और यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिला है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर आप थोड़ा सा इससे पहले एडजस्ट कर लीजिए, एंड अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन इसकी ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होगी। देखिए आप, सो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तकरीबन दोस्तों था 155.75 के पास, और उसने उसे ब्रेक करके ऑलरेडी जो आज की क्लोजिंग है वो 152.30 पर दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों कन्फर्मेशन आ चुका है कि ये अभी हाल ही में आने वाले दिनों पे और डाउन जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हो जाने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें सेम इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम RSI को इंक्लूड करें और बॉलिंगर बैंड को यहाँ पर इंक्लूड करें तो सेम आपको यहाँ पर भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देखें तकरीबन जो यहाँ पर इसका RSI लेवल है वो 53 का है, और जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंगर बैंड की तो देखिए ऑलरेडी इसकी जो मीडियम लाइन है जस्ट वहीं पर ये खड़ा हुआ है, एंड फॉर श्योर कल के दिन यहाँ पर और भी हमें डाउन साइड दिखाई दे सकती है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास में ये स्टॉक है तो अलर्ट हो जाइए। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट है दोस्तों, जो मेजर सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है 144 के पास में, और बॉलिंगर बैंड की अगर हम बात करें तो उसका जो सपोर्ट लाइन है वो तकरीबन बनते नजर आ रहा है 141 के पास में। तो दोस्तों आपको ये लेवल्स याद रखने होंगे, यहाँ पर आकर वो सपोर्ट ले सकता है और वापस से बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक था कोल इंडिया, अभी चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ और देखते हैं तीसरा कौन सा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक दोस्तों आप सभी का चहेता स्टॉक है SBI कार्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर भी हमें एक
ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक भी अभी हाल ही में आने वाले दिनों में थोड़ा डाउन जा सकता है। ऑल्दो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बट एक आप शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका वो तकरीबन दोस्तों था 1062 के पास में, जिससे उसने ऑलरेडी क्रॉस करके वो नीचे आ चुका है और नीचे उसने जो क्लोजिंग दी है आज की वो दी है 1049 में। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर कन्फर्मेशन दे दिया है इसने ब्रेक डाउन का और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अभी आने वाले टाइम पर थोड़ा और गिरावट दिखाई दे सकती है। और दोस्तों इसके अलावा जो और टूल्स हैं मैं उसको भी इंक्लूड करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बॉलिंगर बैंड हो गया और RSI हो गया। देखिए RSI की दोस्तों अगर हम बात करें तकरीबन यहाँ पर जो RSI का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 51 का और डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ वो जाता हुआ नजर आ रहा है। RSI यहाँ पर वीक ऑलरेडी हो चुका है। बात करें इसके अलावा अगर हम बॉलिंगर बैंड की तो ऑलरेडी दोस्तों जो इसकी मीडियन लाइन है वो तकरीबन बनती हुई नजर आ रही है 1062 की सेम प्लेस पर जहां पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसे इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और अभी ये तकरीबन 1049 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब दोस्तों जो इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो है पहले तो बॉलिंगर बैंड के हिसाब से जो इसकी सपोर्ट लाइन है वो है तकरीबन 1017 के पास में, यहाँ पर आकर ये ब्रेक लगा सकता है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन की तो कहीं ना कहीं उसके पास में ही दोस्तों वो भी सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो 1016-17 के पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आने वाले टाइम पर वहां तक ये स्टॉक आता हुआ नजर आ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये तीनों स्टॉक अगर आपके पास में है दोस्तों तो बिल्कुल भी अलर्ट हो जाइए और फ्रेश बाइंग करने के बारे में बिल्कुल भी अभी आपको नहीं सोचना है। जो लेवल्स मैंने बताए हैं वो आप ध्यान पे रखिए, वहां पर जब ये स्टॉक्स आएंगे तो वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं। आपने अगर खरीदारी करनी है तो वहीं पर करनी होगी। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं फॉर श्योर तो आपको इन छोटे मोटे अप डाउन से फर्क नहीं पड़ता होगा, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करने की जरूरत जरूर होगी। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस तीनों स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।